22 सालों से गुजरात के सत्ता में वापसी करने की कोशिश में लगी कांग्रेस के लिए इस बार उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। कई राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि गुजरात की सत्ता में इस बार कांग्रेस की वापसी हो सकती है। अगर कांग्रेस गुजरात में जीतती है तो फिर ये देखना दिलचस्प रहेगा कि पार्टी हाईकमान किसके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजाता है। आज हम आपको कांग्रेस के उन 5 नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कांग्रेस के जीतने पर राज्य का मुखिया बन सकते हैं। कौन कौन है ये नेता, चलिए बताते हैं आपको। भरत सिंह सोलंकी। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जो कि माधव सिंह सोलंकी के बेटे हैं। भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की दौड़ में पहले नंबर पर हैं। आपको बता दें कि सोलंकी 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रहने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। सिद्धार्थ पटेल। सिद्धार्थ पटेल गुजरात में कांग्रेस के सबसे बड़े पाटीदार नेता हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए सिद्धार्थ पटेल के पक्ष में जो बात सबसे ज्यादा जाती है वो है उनका पाटीदार समाज से आना। सिद्धार्थ पटेल के पिता चिमन भाई पटेल भी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सिद्धार्थ पटेल पहली बार 1998 में विधायक बने थे। वो आज तक 2 चुनाव जीते और 2 बार हारे भी हैं। अर्जुन मोदवाड़िया। अर्जुन मोदवाड़िया की पहचान एक तेज तर्रार विपक्षी के नेता के तौर पर होती है। अर्जुन मोदवाड़िया 1997 में राजनीति में आए थे और 2002 में बीजेपी लहर के बावजूद उन्होंने जीत हासिल की थी। अर्जुन मोदवाड़िया एक विपक्षी नेता के तौर पर पार्टी की आवाज मजबूती से उठाते रहे हैं। यही कारण है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री के लिए इनके नाम पर विचार जरूर होगा। शक्ति सिंह गोहिल। राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शक्ति सिंह गोहिल 4 बार विधायक रह चुके हैं। शक्ति सिंह गोहिल को कई महत्वपूर्ण विभागों में काम करने का अनुभव है। इसके साथ साथ पार्टी के प्रति उनकी वफादारी और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आना उन्हें मुख्यमंत्री के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश करता है। परेश धनानी। परेश धनानी युवा पटेल नेता है जो राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी युवा टीम के हिसाब से परफेक्ट सीएम कैंडिडेट होंगे। धनानी को पार्टी को मुश्किल से निकालने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। परेश धनानी ने 2002 में पहला चुनाव लड़ा और उसे जीता, लेकिन 2007 में वो हार गए थे। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद माना जा रहा है कि परेश धनानी को राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो ये भूमिका मुख्यमंत्री के तौर पर होगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये है वो 5 उम्मीदवार जो गुजरात में कांग्रेस के जीतने के बाद राज्य के अगले सीएम हो सकते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।